घने जंगल में टोनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टोनी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टोनी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई? माँ, मैं अब किसके सहारे रहूँगी? माँ, अच्छा होता आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती। बेटा, तू अकेली नहीं है, आज से मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे अपने घर लेकर चलूँगी। टोनी चिंकी को लेकर अपने घर आती है। बेटा, तू किसी भी चीज की चिंता मत करना, यहाँ तेरी बहन टुनटुनी भी है, तुम दोनों साथ साथ रहना। मैं तुम्हारा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करा दूंगी। हाँ चिंकी, तुम चिंता मत करना, मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ, आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टोनी टुनटुनी से ज्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है। एक दिन टोनी किचन में खाना बना रही थी। माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रुक जा चिंकी, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर दे रही हूँ। चिंकी किचन में पड़े चाकू को उठाकर उससे खेलने लगती है, तभी उसका पर्स कट जाता है। मेरा पर कट गया। चिंकी, तू भी ना बेटा चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? रुक, मैं अभी तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये ले चिंकी, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टोनी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, तभी टुनटुनी वहाँ आती है। माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी बच्ची नहीं है, तू अपने हाथ से भी खा सकती है। माँ, जब से चिंकी आई है तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी ही बहन है, तू देख नहीं रही इसके चोट लग गई है? माँ, मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी अपने कमरे में चली आती है और सोचने लगती है। जब से ये चिंकी की बच्ची इस घर में आई है, माँ उसी को प्यार कर रही है। आज चिंकी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अगले दिन टुनटुनी, तो चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा, मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है, स्कूल में लंच होगा तो तू भी चिंकी को खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले आती है। कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है, चिंकी तो बेकार में डर रही है, मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ, तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी, क्या हुआ? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज़ आती है। दीदी, लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी, मेरा पैर नहीं निकल रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी, मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं ही इसमें फंस गई। किसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। चिंकी, मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।